जिसमिल रहीम जब रिज़र्व मार्केट जिसके अंदर के मनी मार्केट रेट डिटरमिन होता है और वो मनी मार्केट रेट जिसको सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस मनी मार्केट को स्टडी करें और मार्केट का हमेशा एक ही मतलब होता है कि मार्केट की डिमांड को स्टडी करें मार्केट की सप्लाई डिमांड और सप्लाई को मिलाएं तो इसको मार्केट कहते हैं तो हमने रिजर्व की मार्केट जिसके अंदर के मनी मार्केट रेट डिटामिन होता है उसकी डिमांड साइड को भी स्टडी कर लिया उसकी सप्लाई साइड को भी स्टडी कर लिया नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इकोलिब्रियम इकोलिब्रियम मीन्स वेयर डिमांड फॉर रिजर्व इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ रिजर्व एंड एट दैट पॉइंट पॉइंट मनी मार्केट इज इन इकोलिब्रियम एंड एट दैट पॉइंट मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट इज डिटामिन विद इन द मनी मार्केट तो इक्विलिब्रियम से क्या मुराद हो गई कि द प्लेस वेयर डिमांड फॉर रिजर्व इक्वल सप्लाई ऑफ रिजर्व वेयर डज इट अकर इट अकर्स एट अ पॉइंट वेयर डिमांड कर्व वे सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व मीन कर्व विच इज रिप्रेजेंटिंग डिमांड फॉर रिजर्व एंड सप्लाई कर्व मीन अ कर्व विच इज रिप्रेजेंटिंग सप्लाई ऑफ रिजर्व जहां पर यह दोनों इंटरसेक्ट करेंगे डायग्राम के अंदर वहां पर हम कहेंगे इक्विलिब्रियम है लेकिन मार्केट में जरा सोचें प्रैक्टिकली मार्केट में कोई डिमांड सप्लाई कर्व्स नहीं बन रहे होते ये तो कर्व्स जो हैं ये जो प्रैक्टिकली मार्केट में हो रहा है, है। यानी कि ये उसका जस्ट मॉडल है प्रैक्टिकली क्या हो रहा है इकोनॉमी में वो इंटरेस्ट रेट वो मनी मार्केट रेट जिस पे डिमांड फॉर रिजर्व सप्लाई ऑफ रिजर्व की इक्वल हो जाए हम कहते हैं ये मनी मार्केट इकोलिब्रियम हो गया और ये इकोलिब्रियम मनी मार्केट रेट है अगर आप डायग्राम में चले जाए तो डायग्राम में जरा क्लियरली सोचें कि जो आपका सप्लाई कर्व है रिजर्व्स का वो जब तक तो इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट से नीचे है वहां तक वो नॉन बारोड रिजर्व्स के ऊपर वर्टिकल है और जब डिस्काउंट रेट आ जाता है तो डिस्काउंट रेट पे चूंकि बैंक्स जो हैं अब सेंट्रल बैंक से बारो करना शुरू हो जाते हैं तो रिजर्व्स में बारोड रिजर्व्स भी ऐड होना शुरू हो गए और दूसरा अब जो है वो जितने नए रिज़र्व आते जाएंगे उसमें वो बारोड रिजर्व होंगे तो इसका मतलब ये है कि डिस्काउंट रेट के ऊपर जो सप्लाई का कव है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है इसीलिए ये इस फॉर्म में है कि पहले वर्टिकल है फिर जो है वो एक साइड पे फ्लैट हो जाता है जबकि दूसरी तरफ जो डिमांड फॉर रिज़र्वस का कव है वो जब तक तो फ्लोर रेट यानी कि वो रेट जो एक्सेस रिजर्व के ऊपर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को पे करता है जिसे हम फ्लोर रेट कहते हैं क्योंकि वो मनी मार्केट रेट से नीचे होता है जब तक तो मनी मार्केट का रेट फ्लोर रेट से ऊपर रहेगा तो जितना रेट ज़्यादा होगा अपॉर्चुनिटी कास्ट ज्यादा होने की वजह से उतनी ही फम्स की डिमांड फॉर रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाएगी लेकिन या जब जब इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा तो चूंकि अपॉर्चुनिटी कास्ट कम हो रहा है तो जो बैंक्स हैं उनका जो है वो एक्सेस रिजर्व्स की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी लेकिन वो बढ़ते बढ़ते जब या इंटरेस्ट रेट कम होते होते जब वो फ्लोर रेट पे आ जाएगा जो इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिजर्व्स है जिसे हमने यहां पे आई से डिनोट किया है तो इस लेवल पर आके अब फर्दर इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं जाएगा और ना अगर वो इंटरेस्ट रेट नीचे चला भी जाए तो कोई कमर्शियल बैंक जो है वो उसके ऊपर एक्सेस रिजर्व्स का उससे कोई रिलेशनशिप नहीं होगा यानी कि मार्केट में लैंडिंग की बजाय जो फ्लोर रेट है इस पे कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक के पास एक्सेस रिजर्व्स को रखना तरजीह देंगे मार्केट में लैंड करने की बजाय तो नतीजा ये होगा कि यहां पे आके ये फ्लैट हो जाएगा कर्व अब ये दोनों कर्व्स एक नॉर्मल रेंज के अंदर पॉइंट वन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट वन के ऊपर जो रिजर्व्स की क्वांटिटी है जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन बारोड रिजर्व इक्वल है वो चेंज क्यों नहीं हो रहे इसलिए कि वो तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से चेंज होंगे और अभी हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन तो कंडक्ट ही नहीं किया तो जब तक ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट नहीं होता तो ये जो नॉन बारोड रिजर्व का ये करंट लेवल है तब तक यही रिजर्व का इकोलिब्रियम लेवल भी है क्योंकि बारोड रिजर्व वैसे नहीं हो रहे इसलिए कि मनी मार्केट रेट जो है वो डिस्काउंट रेट से नीचे है या सीलिंग रेट से नीचे है। तो जो पॉइंट वन के सामने एम है उसके ऊपर स्टेरिक लगा हुआ है जिसका मतलब है ये मनी मार्केट रेट अब तो रिजर्व की डिमांड और सप्लाई से डिटर्मिन होता है, है तो तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं वो इसके लिए टारगेट सेट करते हैं जब हम कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट 21 परसेंट कर दिया 20 कर दिया एटीन परसेंट कर दिया तो पॉलिसी रेट से क्या मुराद होती है पॉलिसी रेट से यह मुराद होता है सप्लाई की, की वजह से, से जो मनी मार्केट का रेट तय होता है तो जब हम कहते हैं पॉलिसी रेट 21 परसेंट हो गया तो उसका मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक ने टारगेट सेट कर दिया कि ये है कि यह जो मनी मार्केट रेट है जो बैंक्स की रिजर्व्स की डिमांड और सप्लाई से डिटर्मिन हुआ है ये 21 परसेंट के करीब हो जाए सो ट्वेंटी वन परसेंट इज जस्ट अ टारगेट फॉर दिस मनी मार्केट रेट विच इज डिटर्मिन इन द मनी मार्केट एंड फ्रॉम डिमांड फॉर रिजर्व्स एंड सप्लाई ऑफ रिज जबकि इससे ऊपर जो सीलिंग रेट है जिसे डिस्काउंट रेट कहते हैं और नीचे जो फ्लोर रेट है जिसे इंटरेस्ट ऑन रिजर्व भी कह सकते हैं या एक्सेस रिजर्व ये दोनों सेंट्रल बैंक सेट करता है लेकिन बीच में जो एक्चुअल मनी मार्केट रेट मार्केट में प्रीवेल कर रहा है वो मार्केट की अपनी डिमांड सप्लाई कंडीशन से डिटर्मिन आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन यहीं पे मैं आपको एक आइडिया दे दूं तो ये मिलके कि ऊपर सीलिंग रेट है नीचे फ्लोर रेट है बीच में डिमांड एंड सप्लाई से मार्केट का रेट डिटर्मिन हो रहा है और ये डिमांड सप्लाई कंडीशंस डे टू डे या टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं तो इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करता रहता है कभी कम कभी ज्यादा तो ऊपर वाला रेट फिक्स रहता है नीचे वाला रेट फिक्स रहता है जब तक सेंट्रल बैंक ना चेंज करे बीच में मार्केट कंडीशन से इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है तो ये मिल के बन गया इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर सिस्टम ये कॉरिडोर बन गया इतने गैप का ये सीलिंग रेट ये फ्लोर रेट इनके दरमियान जो मनी मार्केट का रेट है वो चेंज होता रहता है उसके अंदर मनी मार्केट रेट फ्लक्चुएट करता रहता है तो ये कहलाता है इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर सिस्टम इसमें एक पॉइंट मैं सिर्फ ऐड करूंगा इस लेक्चर में कि ये जो इक्विलिब्रियम हमने अभी किया मनी मार्केट के अंदर ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है और ये मैं हमेशा जब भी इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ साथ स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम की भी बात करता हूँ उसका मतलब ये होता है कि अगर इकोनोमी के अंदर या मनी मार्केट के अंदर इस इक्विलिब्रियम से डिविएशन हो जाए तो क्या मार्केट फोर्सेज वापस इसी इक्विलिब्रियम की तरफ इंटरेस्ट रेट को लाएंगी या नहीं लाएंगी तो ये हम देखते हैं अगेन इस डायग्राम के जरिए अगर आप गौर करें तो इस डायग्राम पे एक रेट है आई एम आर टू अगर आई एम आर स्टैरिक की बजाय आई एम आर टू मार्केट में रेट हो जाए मनी मार्केट का तो आप देख सकते हैं कि इस रेट के ऊपर सप्लाई ज्यादा है रिजर्व्स की जबकि डिमांड नहीं है रिजर्व्स की जाहिर रेट ज्यादा हो गया तो एक्सेस रिजर्व्स की डिमांड कम हो जाएगी तो अब मार्केट फॉर रिजर्व में क्या हो गया एक्सेस सप्लाई ऑफ रिजर्व और आपको पता है जिस चीज की एक्सेस सप्लाई हो जाए उसकी प्राइस गिर जाती है इसीलिए शो कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हो जाएगा मनी मार्केट में जब तक आई एम आर स्टायर पे नहीं पहुंच जाता इसी तरीके से एक और इंटरेस्ट रेट लिया हमने आई एम आर वन ये ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसपे एक्सेस रिजर्व की डिमांड ज्यादा होने की वजह से टोटल रिजर्व की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है यानी कि एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गई है तो एक्सेस डिमांड जिस चीज की भी क्रिएट हो जाए उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है इसीलिए मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा के वो मनी मार्केट रेट कहेंगे जब भी मार्केट में कोई डेविएशन होगी तो डेविएशन के बाद ऐसी हैं एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की जो अल्टीमेटली मनी मार्केट रेट को इसी आई एम स्टार पे लाएंगी थैंक यू